केंद्रीय मंत्री राम इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम में जीएमडीए कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में राम इंद्रजीत सिंह ने अधिकारियों से कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में नजफगढ़ झील और सरकारी अस्पतालों को लेकर बातचीत भी हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री गुरुग्राम में होते भूजल दोहन पर भी चिंता जताई। बता दें कि गुरुग्राम में भूजल दोहन नहीं रुका तो जोशीमठ जैसे हालात हो सकते हैं। प्रदेश के 22 जिलों में से 19 जिले डार्क जोन में शामिल है, जिनमें गुरुग्राम पहले पायदान पर है। गुड़गांव के अंदर डेवलपमेंट तो बहुत हो रही है, लोग नए नए आकर के बस भी रहे हैं, गुड़गांव की आमदन बढ़ रही है, लेकिन कुल मिलाकर के जो गुड़गांव का सब सॉइल वाटर है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट हो रहा है। यानी अगर 100 लीटर रिचार्ज के तौर के ऊपर गुड़गांव के सब सॉइल के अंदर एक्वेफर्स के अंदर जाता है तो 200 लीटर निकाल लिया जाता है, और ये चिंता की विषय है। आपको पता है कि जोशीमठ के अंदर आज के दिन क्या हो रहा है, तो वो गुड़गांव का हाल ना हो जाए उसके लिए आज के दिन से ही प्रबंध करना आवश्यक है। हरियाणा में 22 ज़िले हैं और 19 ज़िले डार्क जोन में हैं, और गुड़गांव उन 19 के अंदर पहले नंबर पे शायद होगा। तो इसलिए हमने कोशिश करी है कि जो बरसात का पानी हो वो फ्लो करके बाहर हरियाणा से ना जाए, दिल्ली में या नजफगढ़ ड्रेन में या जमुना में ना जाए, उसके लिए भी प्लानिंग बनाने की बात हमने कही है और लोग कर भी रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिलाने के लिए मैं खुद आकर के यहाँ पे बातचीत करी।